हेलो पैन क्लर आर्मी, सब कैसे हो? आई होप सब बढ़िया हो गए। वेलकम टू आवर न्यू ब्लॉग। तो अभी बज रहा है मॉर्निंग के 10 बजे। अभी हम आ चुके हैं और एक नया ब्लॉग लेके। आई नो मैं जानता हूँ बहुत ही लेट ब्लॉग आ रहे हैं, इसलिए दिल से सॉरी यार। शादी में बिजी हो गया था, बहुत सारे दोस्त का शादी हो रहा था। इस बैग के अंदर मेरी एक दोस्त का लैपटॉप है, रामनगर एरिया के है, वहाँ पे हम जाने वाले हैं, दोस्त को लैपटॉप देने वाले हैं। यहाँ पे देख सकते हो भाई, बहुत ही ज़्यादा धूप लग रहा है। ए भाई, थोड़ा सा ब्राइटनेस कम करो ना, इतना ब्राइटनेस क्यों कर रहे हो भाई? और एक बात, मेरी जिस तरह से ब्लॉग आ रही है ना, ऐसा लगता है कि भाई अगले 50 साल में भी 10K सब्सक्राइबर नहीं कंप्लीट होगा। तो यहाँ से चलते हैं सीधा रामनगर, वहाँ पे सब कुछ आपको हर एक चीज़ दिखाएंगे। तो आज का ब्लॉग बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो वीडियो को लाइक कर देना। तो गाइस, यहाँ से हम सीधा चलते हैं। यहाँ पे देखो, आगे दिख रहा है ना नाव, और ये जो नाव दिख रहा है, जो नदी दिख रहा है, इसको पार होना पड़ेगा। यहाँ पे कोई पुल नहीं है, तो यहाँ से हम सीधा चलेंगे। अब आगे का सीन बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि बहुत दिनों के बाद हम इस झील को पार करेंगे। अभी टाइमिंग सही है हमारी, भाई नाव भी लग चुका है और बाइक भी बहुत कम है, जा सकते हैं हम। अब गाइस, अभी देखना कैसे रिएक्शन देते हैं ये लोग। अभी देखना, देखो कैसे घूर रहा है। अरे कैमरा लग चाहिए, क्यों रोकना है? अरे लाग भी नहीं, तो देख सकते हो। हाँ हाँ हाँ, चैनल नाम टेन किलर। हाँ, 1,20,000। हाँ, तो गाइस ये भी चाहता है कि ये भी मोटर राइडिंग करे, इसलिए ये नंबर मांग रहा था मेरा और बोल रहा था कि हम दोनों साथ में मोटर राइडिंग करें। तो मुझे ऐसा बहुत अच्छा लग रहा है कि हमें देख के कोई इंस्पायर होके ऐसे बोल रहा है कि हम भी तुम्हारे साथ शुरू करेंगे। और यहाँ पे आ चुके हैं हम, घाट की साइड आ चुके हैं। तो गाइस, अब भी हमारी बारी है। अरे देखिए गाइस, फंस गया। वो नंबर में कॉल करो पहले। तो यहाँ पे आप रिएक्शन देख ही रहे थे, यहाँ पे कैसे लोग रिएक्शन दे रहे था। गाइस ये है एग्जैक्टली छपाली मार्केट, इसको बोलते हैं। पता नहीं भाई, यहाँ पे कुछ चेकिंग वेकिंग चल रहा है तो लौट लग जाएगी। नहीं, अभी क्लियर है सब कुछ, सब कुछ सभी क्लियर है, देख लेते हैं। हाँ, तो इस रास्ते सीधा जाते हैं रामनगर मार्केट। तो गाइस यहाँ पे भी एक लड़की है, देखो ये नहीं भाई, ये लड़की नहीं है, ये शादीशुदा भाभी है, भाभी जी भाई। तो गाइस यहाँ पे दो लड़की देख सकते हो, यहाँ पे कोई गड़बड़ नहीं होगा, ये लड़की ही था। टेन किलर आर्मी, मुझे कब नसीब होगी एक गर्लफ्रेंड, क्यूट सा गर्लफ्रेंड जिसके साथ मैं ब्लॉग बना पाऊँ और मिलियन के ऊपर व्यूज छाप पाऊँ। क्योंकि आजकल तो भाई ब्लॉग में अगर लड़की घुसा दो तो व्यूज भाई मिलियन के ऊपर जाते हैं। अभी फाइनली आ चुके हैं उस ब्रिज के ऊपर, आगे साइड ब्रिज है। तो यहाँ पे ज़्यादातर एक्सीडेंट होते रहते हैं, पता नहीं क्यों बहुत सारे लोगों का एक्सीडेंट हो चुका है। फिलहाल मेरी गांव का एक लड़का मरते मरते बचा है इस साइड से, मतलब ऐसा एक्सीडेंट हुआ इस पोल के नीचे। उसका बाइक है, वो भी मेडिकल में था, आईसीयू में था, तो उसका भी हालत बहुत ख़राब था। ये देख सकते हो, ये ब्रिज है, इसको हम बोलते हैं रामनगर ब्रिज। रामनगर में ये आते हैं ना, रामनगर मार्केट, और 2 किलोमीटर दूर रामनगर मार्केट है, तो यहाँ पर ब्रिज है, तो इसका रामनगर ब्रिज के नाम पर सभी लोग जानते हैं। तो गाइस यहाँ पर देख सकते हो क्या हाल है, यहाँ पे सब बहुत सारे लोग यहाँ पे मछली पकड़ रहे हैं। मैंने अभी तक नोटिस नहीं किया, आप लोग देख सकते हो यहाँ पे 2 आदमी है भाई, बीचों बीच खड़ा होकर भाई ये पकड़ रहा है, मछली पकड़ रहा है। आते वक्त आपको अच्छी तरह से दिखाएंगे, लेकिन अभी इसको उसका लैपटॉप दे देते हैं, क्योंकि वो मैसेज कर रहा था और 2 कॉल भी हो चुका है। नहीं नहीं नहीं, चलते हैं यहाँ से, आप टाइम यहाँ पर खोटी नहीं करेंगे। तो यहाँ पर तेल भी बहुत कम है, तो फिर से एक तेल डलवा लेंगे। यहाँ पर भी एक पेट्रोल पम्प है, लेकिन उसके लिए भी बहुत आगे तक जाना पड़ेगा, उसको लैपटॉप देने के बाद भी बहुत आगे तक जाना पड़ेगा। और यहाँ पे चारों तरफ फॉरेस्ट है, मतलब जंगल ही जंगल है। अगर आप देख सकते हो तो इस तरफ जंगल नहीं है, बट इस तरफ जंगल है। सही एरिया है भाई, सही एरिया है, गांव का जो मज़ा है ना अलग ही है। आगे एक टेंपल पड़ेगा जिसको हम सभी लोग बोलते हैं माँ रामचंडी टेंपल, और यहाँ पे एक बहुत ही बड़े फेस्टिवल होते हैं, बहुत सारे लोग यहाँ पर आते हैं। तो ये एक बहुत ही फेमस जगह है, मतलब हमारे इस एरिया का
और ये सबसे बड़ा फेस्टिवल यहाँ के होते हैं। दूर दूर से लोग आते हैं, ऐसे बस भाड़े करके, रिक्शा भाड़े करके यहाँ पे बहुत दूर दूर से लोग आते हैं, आपको दिखाएंगे भी। और एग्जैक्टली ये है टेम्पल, ये इसका गेट है, ये इसका फ्रंट गेट है, बैक गेट है। यहाँ पे देखो बहुत सारे लोग पूजा कराने भी आए हैं, पूजा पाठ कराने। अरे आज कुछ है क्या, पता नहीं क्या है क्या यहाँ पे। अरे यहाँ पे एक लोसी है तो यहाँ पे लोसी पियेंगे, लेकिन पता नहीं यहाँ पे आज कुछ है क्या, शादी वादी है क्या। अभी पढ़ने वाले हैं रामनगर मार्केट, फाइनली आ चुके हैं, तब से फाइनली बोल रहे हैं, तो अभी फाइनली आ चुके हैं। और यहाँ पे देख सकते हो रामनगर 400 मीटर ओनली, तो ये आ चुके हैं हमारी रामनगर मार्केट। ये एंट्री पॉइंट है, वेस्ट बंगाल से पार्सल कराया, पता नहीं बोल रहा था कि उसका लैपटॉप ख़राब हो गया था जब उसका मामा का घर गया था, और वहाँ पे छोड़ के आ गया था। फिर से वेस्ट बंगाल से उसको बस में पार्सल किया, मैंने मॉर्निंग में जाके उसको पिकअप किया, उसके बाद उसको देने के लिए उसके घर पे आ रहा हूँ। लेकिन भाई दोस्ती है, कोई गलत मत समझना, दोस्ती है, ऐसा कुछ गलत सीन नहीं है, दोस्ती है। अरे यार, हाँ हेलो, कि अबला सुंदरी गर्ल्स हाई स्कूल। तो भाई मैं सही जगह पे खड़ा हूँ भाई, यहाँ पे देख सकते हो ये एक टेम्पल है, और यहाँ पे वो हाई स्कूल की बात कर रहा था, अबला सुंदरी, है ना, अबला सुंदरी गर्ल हाई स्कूल खन्नासी ESD 1996। अभी है, ये है पेट्रोल पंप। तो भाई को मैंने बोल, तो गाइस यहाँ पे हो चुका है पेट्रोल डालना, अभी यहाँ से चलते हैं। और ये बच्चा भाई रिएक्शन दे रहा था, बोल रहा था भाई कौन ब्लॉगर आ गया। तो अभी वो लड़की बोल रहा था वो रास्ते में है। अच्छा, अरे भाई ये खड़ा है, तुम्हारे में तीन चार फेरा घुरी 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 देखी। রজব হতে কোনো জানতে পারিনি তো কি হড়ে কি নাই হড়ে ল ল আয়ে কোনি আমার ঘুম চোখে ছল ছল গছে আমি ঘুমাই নিজে ব্যাঘর ওটি হরিয়া বাঘ আটকে সাদার মা হরিয়া বাঘে আটকে সাদার মা সে যে কি মা দিয়ে পড়বে পুরা খালি জায়গা হ্যাঁ ছোটা হেলা ইয়ে পড়ে ছোটিলা ব্যাগ করিলা মানে আসলি কোনো ঘুম টুম কিছু ঠিকঠাক হয়নি তোমার দরকার যখন কইল হ্যাঁ হোক দিলে আজ্ঞা হো হো হো। তো গাইস আবি ইসকো আম দে দিয়ে ল্যাপটপ, আবি আম সিধা ইয়াহ সে চলেঙ্গে ঘর, মার্কেট মে থোড়া সা ঘুসেঙ্গে। ইয়ে হে মার্কেট, মতলব বহুত বড় মার্কেট হে, গোস তরফ উস তরফ বহুত জাদা গলি হে, বাট মে এক সাইড আপকো দিখা দেতা হুঁ অর निकल जाऊंगा। टाइम बहुत हो गया, भूख भी लग रही है, अभी के टाइम शायद एक बज गया होगा, तो यहाँ से सीधा निकल आए। यहाँ पे कुछ चल रहा है क्या, बहुत सही चीज़ है यहाँ पे गाइस, गाइस शायद मुझे लगता है आज कुछ ज़्यादा ही भीड़ है, तो यहाँ पे हम सीधा नहीं जा पाएंगे। गटिया मटिया गटिया, लस्सी पिए क्या भाई, जो रिएक्शन दे रहा था भाई, लस्सी कहाँ पिए। अभी मैं देख रहा हूँ ये है रामचंद्र जी का टेम्पल, कभी और देखेंगे, लेकिन भाई जो रिएक्शन देख के भाई मुझे क्या फील हो रहा था भाई, ऐसा लग रहा था कि भाई कोई कुछ बोल ना दे, सीरियसली मुझे ये डर रहता है। अभी यहाँ पे कोई लड़की लड़की खड़ा है, कभी लोग भाई कार वाला भाई देख रहा था, डोर खोल के देख रहा था, अभी देखना मैं इसको ही थंबनेल पे लगा लूँगा। अरे भाई भाई, अगर थोड़ा सा अगर गड़बड़ होगा तो गए। तो अभी घर जाने का टाइम हो गया और ब्लॉग को एंड करने का भी टाइम आ गया। तो गाइस यहाँ पे ब्लॉग एंड करते हैं, आई होप कि आपको ये ब्लॉग पसंद आया था, पसंद आया वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना,
मिलते हैं किसी नेक्स्ट ब्लॉग में, तब के लिए बाय बाय।